नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ हाउस इन एस्ट्रोलॉजी। चौथा घर हमारे कुंडली में क्या क्या चीज़ों को दर्शाता है, उसके सिग्निफिकेटर या कारकत्व कौन क्या क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो मदर फिगर होते हैं, जो माँ होती है, ये पूरा स्टोरी आपका मदर से रिलेटेड ही होने वाला है। यानी कि जो भी सिग्निफिकेटर है वो माँ के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। जैसे कि मदर क्या होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत ही इंट्यूटिव होती है, बहुत ही ऐसे मदर इज़ अ कंफर्ट। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्राइमरी होम होता है, रिलैक्सेशन एरिया होता है, वो हमको केयर करता है। जो भी जो आपको होमली फील कराए, घर का माहौल आपको मिले, तो वो आपका फोर्थ हाउस होता है। कॉन्वीनियंस यानी कि सुख सुविधाएं, गाड़ी घोड़े, प्रॉपर्टी, आपका इंट्यूशन कैसा रहेगा, वो आप फोर्थ हाउस से देखते हो। फोर्थ हाउस में ये आता है कि आपका पीस ऑफ माइंड कैसा रहेगा, क्या आप बेचैन रहोगे या आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपका प्राइमरी एजुकेशन कैसा रहेगा, आपको एजुकेशन लाइन में किस तरीके का आप स्टडी करोगे, परस्यू करोगे, वो भी हम फोर्थ हाउस से एनालाइज करते हैं। स्टोमच एरिया, आपका पेट का हिस्सा कैसा रहेगा, वो किस तरीके से वर्किंग में है, हेल्थ वाइज अगर देखना है तो स्टोमच का, तो फोर्थ हाउस से ही उसका एनालिसिस करते हैं। फोर्थ हाउस का जो कारकत्व है वो सबको मालूम है कि मून ही होगा, क्योंकि मून मदर का ही कारक है और मदर फोर्थ हाउस का कारक है। तो इन सभी जो चीज़ें हैं वो फोर्थ हाउस के अंडर में आते हैं। अगर आपका फोर्थ हाउस ख़राब है या फोर्थ हाउस में कोई नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, मतलब आपको फोर्थ हाउस का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करना है कि उसका मतलब अच्छा फल मिल रहा है फोर्थ हाउस में या नेगेटिव फल उसको मिल रहा है, उस हिसाब से इन सभी के जो कारकत्व हैं उसमें चाहे तो इन सभी कारकत्व का उसको प्राप्ति होगी, उस चीज़ को वो अच्छे से भोग करेगा। नहीं, अगर फोर्थ हाउस अच्छा है तो इन सभी चीज़ों में लैक होगा या डिले होगा या इन सभी चीज़ों का वो सुख नहीं भोग पाएगा। इसलिए टू कंप्लीट एनालिसिस करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ हाउस के सिग्निफिकेशंस के बारे में बात करेंगे।